हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू एक्सप्लोर। एक बार फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ बिहार विधानसभा के वेरियस पोस्ट्स की वैकेंसी के नोटिफिकेशन को लेके। इसमें बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, ये सब। तो ठीक है, अबाउट पोस्ट बिहार विधानसभा आर इन्वाइटेड ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट जूनियर क्लर्क एंड अदर वेरियस पोस्ट, जो नीचे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट्स की पहले बात कर लें तो अप्लीकेशन स्टार्ट 9 अक्टूबर को हो गया है और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो है 31 अक्टूबर को 5 बजे शाम तक। फ़ी पेमेंट करने का डेट भी वही है 31 अक्टूबर, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, फिर एग्ज़ाम होगा आपका। तो ठीक है, तो 31 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है, उससे पहले आप ये फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, फिर आते हैं एप्लीकेशन फ़ी पे। तो जनरल और ओबीसी के लिए 400 एप्लीकेशन फ़ी, फिर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है और वो 100 रुपये आप ऑनलाइन कैसे भी दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात हो गई। फिर देखते हैं वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो टोटल वैकेंसीज़ 101 है और कैटेगरी वाइज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज है। असिस्टेंट के लिए जनरल 29, ओबीसी 13, ओबीसी फीमेल 02। तो आप सारे पोस्ट के लिए स्क्रीन पे पॉज करके देख सकते हैं कितने कितने पोस्ट है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, केवल बैचलर डिग्री चाहिए। फिर रिसर्च असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यानी कि दोनों चाहिए, लाइब्रेरी असिस्टेंट और रिसर्च असिस्टेंट के लिए। ठीक है, उर्दू असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एंड उर्दू एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, बैचलर होना ही चाहिए और उर्दू एक सब्जेक्ट मैंडेटरी है उर्दू असिस्टेंट के लिए। ठीक है, ऐसे ही सारे पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर एज की बात करें, मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 37 ईयर्स। केवल जूनियर क्लर्क के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 37 ईयर्स। ठीक है, मैंने अपने इस पोस्ट में, इस वेबसाइट में इम्पोर्टेंट लिंक्स दे रखा है। यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है तो यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके इस पोस्ट को खोल सकते हैं और वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि अप्लाई करने में आपको कोई परेशानी हो रहा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दे रखा है, ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक दे रखा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।